नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आवर ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्रेरणादायक विचार पर बात कर लेते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, कभी भी मुश्किलों से मत घबराइए, वो आपके पास आई ही इसीलिए हैं कि आप उन्हें अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर वन, सर्कल्स। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। यू नो एवरीबडी, दिस इज ए फिगर ऑफ सर्कल एंड हियर इज द फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस एंड फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड circumference of the circle. So what do you mean by circumference? The perimeter of a circle is called its circumference, means total length of the boundary of the circle is called perimeter of the circle and this is also known as circumference. Now next one, second. What do you mean by second? A line which intersects a circle at two points is called second of the circle. Arc. What do you mean by arc? A continuous piece of a circle is called an arc of the circle. Okay. After that, central angle. An angle subtended by an arc at the center of a circle is called its central angle. Clear हो गया होगा ये सारे points? किसी भी circle का छोटा सा part arc कहलाता है और central angle जो radii और arc के बीच में जो center पर angle बनता है उसको हम कहते हैं central angle. After that, next one, semicircle. What do you mean by semicircle? How can you define semicircle? A diameter divide a circle into two equal arcs. Each of these two arcs is called a semicircle. After that, segment. A segment of a circle is the region bounded by an arc and a chord of a circle. This is the point related to the chapter 12. इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो सेगमेंट क्या होता है? एक ऐसा रीजन, सर्कल का ऐसा रीजन जो बाउंडेड है कॉर्ड से और आर्क से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। After that, sector of a circle, the region enclosed by an arc of a circle and its two bounded radii called a sector of the circle. तो ये भी क्लियर हो गया होगा, दो रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट, क्वाड्रेंट। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट इन द सर्कल? दैट इज 1/4 ऑफ ए सर्कल, दैट इज सर्कुलर डिस्क,
is called quadrant. The central angle of a quadrant is 90 degree always. तो इस चीज को ध्यान रखना है, किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है और उसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है. तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट इन ए सर्कल एंड ईच एंगल्स ऑफ द क्वाड्रेंट्स आर 90 डिग्री. ओके, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बिकॉज वी विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देन हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, मीन्स यू विल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड देन माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. नाउ डिस्टेंस मूव्ड ए व्हील इन रोटेशन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील. एक क्वेश्चन इस पर रिलेटेड होता है कि कितने रोटेशन होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, मींस पैरामीटर पहले फाइंड कर लेंगे और उसके बाद डिस्टेंस को पैरामीटर से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएंगे. तो इस चीज को याद रखना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय ए व्हील इन ए रोटेशन मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील. ओके, नाउ नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट. हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट? यस, दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड इन ए मिनट इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल. सो दिस इज द फॉर्मूला, कीप इन माइंड, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट डिवाइड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल. नाउ डियर, पैरिमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल इज इट्स पैरिमीटर, यूजली कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू वंस अगेन, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल इज इट्स पैरामीटर, यूजली कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. मतलब एक पूरा चक्कर अगर हम लगा लेते हैं तो उसको हम उस सर्कल का पैरामीटर कहते हैं या फिर उसको हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहते हैं. नाउ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, दैट इज पाई इंटू 2r. ये कहां से मिला? यस, दिस इज द अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, circumference divided by diameter equal to pi, that is the constant things, this is the definition of the perimeter of the circle. So we will write it as circumference divided by diameter equal to pi. By cross multiplication we will get circumference equal to pi into diameter, that is pi into 2r, because diameter is 2 into radius. So this is the formula of circumference, that is 2 pi r. So this is the circumference of any circle. Now area of the circle, everybody know the formula, area of the circle is pi r square. So now moving for next, area of sector. How can you find the area of sector for a given circle? The portion, that is part of the circular region enclosed by 2 radii and the corresponding arc is called a sector of the circle. तो clear हो गया होगा, 2 radii और arc के बीच का जो part होता है उसको हम कहते हैं sector of a circle. Now area of the sector of angle theta is given, then this is theta into pi r square divide by 360 degree. In simple way you can say it that pi r square theta divide by 360 degree. So you can see here this is the sector of the circle, and here are 2 things, one is the major sector and second one is the minor sector. So this blue part is known as minor sector and the
white part is known as major sector interior the circle. Okay, so according to the definition, this is OA and OB, these are two radii, and APB, this is the arc. So the region bounded by two radii and the arc is known as sector. Okay, similarly, this is also, this is two radii and this is the largest arc. So this is also known as sector of the circle, and this white part is known as major sector, and this blue part is known as minor sector. And the formula of area of the sector is, that is area of minor sector is pi r square theta upon 360 degree. Okay, now moving for next, you can see here we will get this formula from this OA, this is the radius, that is R, and sectorial angle, that is the central angle, is theta. So we will write it as pi r square theta divided by 360 degree. So this is the area of sector. Keep in mind, you will use this formula directly in the solution of the questions. Now let us understand this formula with an example. So here is a question: find the area of the sector of a circle with a radius 4 cm and of angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector, use pi equal to 3.14. so how can you solve it? Yes, here you can see that our radius is given, that 4 cm, and sectorial angle, that is central angle, is given that 30 degree. So theta equal to 30 degree and r equal to 4, and we know that the area of the sector, you can see this is the sector, only sectorial angle is given 30 degree and radius is given 4. So we know that the area of sector equal to pi r square theta upon 360 degree. Okay, so pi means this is given 3.14 and radius is given, that is 4. So r square means 4 square, and theta is given that 30 degree. So you substitute all the values and divide by 360 degree. On simplifying, you directly cut this 30 degree divide by 360 degree, cancel kar denge, 0 0 cancel ho gaya, and 3 ban ja 3, 3 12 ja 16 36, aur iske baad mein aap ise bhi cancel karenge, then after simplification we will get is 12.56 divide by 3 centimeter square, because this is the area. So we will write the unit centimeter square, and on simplifying once again we will get this is 4.19 centimeter square. So this is the area of the circle, that is the area of the sector. Okay, now how can you find the area of major sector? Yes, so we will know that the area of corresponding major sector equal to area of circle minus area of minor sector, that is, this is the minor sector. So now area of circle, that is 3.14 into r means 4 square, so minus 4.19, on simplifying this we will get 46.1 centimeter square. So this is the area of minor sector, and this is the area of, that is 4.19 centimeter area of minor sector, and this is the major sector, that is 46.1 centimeter square. So this is the application to find the area of major and minor sector using the formula, that is pi r square theta upon 360 degree. Now moving for next, segment of the circle. What is the segment of the circle? The portion or part of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called a segment of a circle. तो clear हो गया होगा, क्या क्या बता दिया गया है? Region enclosed by chord, chord से
और दो रेडियाई के बीच आर्क के बीच का कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होगा वो आपका सेगमेंट होगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ द फिगर. द एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी यू कैन फाइंड वेयर इज एपीबी. यू विल सी दिस इन द डायग्राम. एपीबी दिस इज द आर्क. यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम. यस एपीबी. And then you can find the area of segment APB. This is the arc and AB is the chord. So this green, this blue part is known as segment, that is minor segment. And this is white part interior, the circle is known as major segment. So you can see that this part is also bounded by the chord AB and arc AQB. So this is the major segment and blue part, that is AB and APB, this is known as minor segment. Now we will find the formula to find the area of segment. How can you find? We will find here formula for the minor segment, not for major, minor segment. So you can see that in this diagram number second, APB, this is the arc and AB is the chord. So we will find the area of the segment APB and by the chord AB, and sectorial angle is given that theta and radius is given that R. So we will find the area of this segment, that is area of sector OAPB. Okay, you see here OAPB, this is the whole area of the sector, and minus area of triangle OAB. Triangle OAB means AOB, this is the white region bounded by the AOBP. So kya karna hai aapko, पूरा हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका ब्लू पार्ट बचेगा, दैट इज ए माइनर सेगमेंट. सो हाउ कैन यू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. एंड दिस इज डिपेंड ऑन द मेजरमेंट, ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा. So dear, now the application to find the area of the segment. Yes, let's find the area of the segment A by P shown in the figure. If radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB equal to 120 degree, and use here pi equal to 22/7. So dear, how can you find the area of the minor segment? Yes, here given that radius of the circle is 21 centimeter and the sectorial angle, that is the central angle, theta equal to 120 degree. So you can see area of the segment AYB, this is area of sector minus area of triangle OAB. So here is area of sector OAYB. You can see this just into the diagram. So this is the formula for the area of the sector, that is pi r square theta over 360 degree minus area of triangle OAB, that is pi means 22/7, this is given, and radius is also given 21, r square means 21 square, and theta is given that 120 degree divided by 360 degree minus area of triangle AOB. This is the general formula. You can apply this formula for all type of triangle, chahe wo equilateral ho, chahe wo aapka koi bhi ho, har triangle ke liye ye general formula maine aapko diya. किसी भी ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आपका आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा. सो क्या है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. यू विल पुट हियर द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज रेडियस,
and the theta, that is sectorial angle. So we will get here, on simplifying this left expression, that is 22 by 7 into 21 square into 120 by 360, directly se cancel kar denge, to aapko milega 462 on simplifying this part. And the right part, that is 1 by 2, r means 21 square, sine theta is given that 120 degree. Again, simplifying these things, we will get 1 by 2, r square means 21 square means 441, and the value of sine 120 degree means under root 3 by 2. How can you find this? Yes, you will find it. You will write it as sine 90 plus 30. 90 lag gaya hai, 30 aur sine laga hua hai, to 90 agar yahan pe lag gaya hai तो ये आपका जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा. साइन हमेशा कॉस में चेंज होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और 90 आपका हट जाएगा रेशियो चेंज करने में. अब बचेगा ओनली 30, मींस कॉस 30 बचेगा. तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3 बाई 2, अंडर रूट 3 बाई 2. एक बार फिर समझ लो, इस 120 डिग्री को आप 90 प्लस या 90 माइनस में ब्रेक करेंगे. तो 90 माइनस में ब्रैक नहीं कर सकते हैं, 90 प्लस में ब्रैक करेंगे. तो क्या होगा? साइन 90 प्लस 30. 90 का काम क्या होगा? ये रेशियो चेंज करने में चला जाएगा. तो साइन चेंज होता है कॉस में, याद रखो. और इसके बाद में टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉस चेंज होता है साइन में. ठीक है, आपस में चेंज होता है. साइन अगर है तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, टेन है तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट है तो टेन में बदल जाएगा. कब बदलेगा? जब यहाँ 90 लगा होगा. इसी के साथ sec cosec में चेंज हो जाता है और cosec sec में चेंज होता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है sin 90 plus 30, तो 90 लगा है तो sin तुरंत चेंज हो जाएगा, cos और जो भी आगे वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी. तो 90 plus 30 है तो 30 वैल्यू आ जाएगी, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है अंडर रूट 3 बाई 2. On simplifying it, we will get 462 minus 441 under root 3 by 4 centimeters square. You can write the answer directly, and you can see here, this is the diagram for this question. Means area of the sector OA by B. So OA by B, and radius is given that 21, and sectorial angle is given that 120. So we will find the area of this blue part. So you can write this area of the sector OA by B minus area of triangle white part. क्या है? OAB. तो इसका area कैसे निकालेंगे? Direct इस formula से निकालेंगे. तो हमारा ये answer हो गया. This is the application to find the area of minor segment. Similarly, you can find the area of major segment. How? Area of circle minus area of minor segment. Yes, you can, every major part will find by the subtraction of the minor part from the area of the circle. Yaad rakhiyega, chahe aapko sector ka area pucha jaye, major sector ka, chahe aapko major segment ka area pucha jaye, aap area of circle mein se direct minus kar denge. Theek hai. और दूसरी तरीके से अगर यहाँ पे हमें माइनर सेगमेंट ना कहा जाए, सीधा कह दिया जाए मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एंगल फाइंड कर लीजिए डायरेक्टली. तो क्या करेंगे? 360 डिग्री से 120 डिग्री माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा? जो डिग्री, जो भी एंगल बचेगा वो आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर दीजिए. ठीक है, तो जैसे ही आप पुट करेंगे आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. लेकिन इन दैट केस यू कैन फाइंड सम डिफिकल्टी. सो दिस इज द इजी वे टू कीप इन माइंड दैट यू विल फाइंड द एरिया ऑफ मेजर थिंग्स बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ द माइनर थिंग्स फ्रॉम द एरिया ऑफ द सर्कल. याद रखिएगा, एरिया ऑफ द सर्कल में आप माइनर एरिया, जो भी हो, माइनर सेक्टर है तो माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे, और माइनर सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, तो आपको मेजर सेक्टर या फिर मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. सो दिस इज द एप्लीकेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ
segment. This is the important things you are learning. So enjoy the video and keep it up to watching it. Okay. Now moving for next things, length of an arc of a sector. How can you find the length of the arc? Yes, dear. You can see here is two arc. One arc is APB and second arc is, that is minor arc, AQB. This is the minor arc and this is the major arc AQB, and APB, this is the minor arc. So how can you find the length of the arc? Yes, here is the formula to find the length of the arc of the sector. Theta is given, this is the sectorial angle, that is theta into 2 pi r divided by 360 degree. Either you can cancel this 2 by 360 degree, you will get 180. Means you can write it as pi r theta upon 180 degree. Okay, you will write it as theta into 2 pi r. So you can write it as 2 pi r theta upon 360 and 2 cancelled by 360 degree, so you can get 180 degree. So this is the formula to find the area of length of the arc, that is pi r theta upon 180 degree. Otherwise aap ye bhi use kar sakte ho, no problem. 2 pi r theta upon 360. To aap yahan pe kya karenge, radius ka value put karenge, theta ka value put karenge, pi ka value put karenge aur simplify kar lenge to aapko r ka value mil jayega. But here no need to subtract the एरिया. यहाँ पे एरिया तो पूछा नहीं गया है, तो आप एरिया ऑफ सर्कल से यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना मेजर और माइनर के लिए. यहाँ पे अगर आप, ये तो फॉर्मूला किसके लिए है, माइनर आर्क के लिए. अगर आपसे मेजर आर्क पूछा जाएगा तो आप केवल एंगल पता कर लेंगे, मेजर आर्क का एंगल कितना है. तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री. 360 डिग्री में से ये थीटा माइनस कर देंगे तो जो भी होगा वो आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आपका लेंथ ऑफ द मेजर आर्क आ जाएगा. ठीक है, तो आपको यहाँ केवल थीटा का वैल्यू पुट करना है जो भी हो. मान लो ये अगर 120 दिया है तो 360 डिग्री से 120 डिग्री माइनस कर दो, 240 आ जाएगा. 240 यहाँ पुट करो और आर का वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट सब कैंसिल कर दो, जो भी बचेगा वही आंसर होगा. तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द आर्क ऑफ द सर्कल, अदरवाइज सेक्टर. ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल. लेट अस ए क्वेश्चन, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. तो आपको आर्क पता करना है, लेंथ पता करना है, तो चलिए कैसे पता करें. सॉल्यूशन, यार रेडियस इज गिवन दैट 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज गिवन दैट 60 डिग्री. यस, ऑफ कोर्स यू विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री. सो पाई इज गिवन, नो गिवन, सो यू विल पुट हियर 22/7, दैट इज पाई इक्वल टू 22/7. And radius is given 21 and theta is given that 60 degree upon 180 degree. Okay, so you can direct cancel it. 60 degree को 180 degree से cancel करो. कैसे करोगे, आप देखिए कि 0 0 पहले ही cancel कर दो. ये 0 0 cancel हो गया तो आपके पास क्या मिलेगा, 0 0 cancel होने पर फिर बचेगा 6 और 18. तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 आया डिनोमिनेटर में. अब 3 को 21 से कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यहां 7 आएगा, 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल 22 बचा और कुछ बचा नहीं. सो आपका आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क. अब अगर आपको माइनर आर्क ये तो मिल गया, अगर मेजर आर्क निकालना है तो आप यहां थीटा 360 से माइनस कर दो तो यहां 300 आ जाएगा. 300 की जगह आप सॉल्व कर लेंगे. या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी है, आप क्या करेंगे, माइनर मेजर आर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे,
Circumference means area of major arc equal to circumference minus area of minor arc. Means आप 2 pi r में से अगर 22 माइनस कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? क्या करना है, जब हम सेगमेंट और सेक्टर निकालते तो किस में से माइनस करते थे, एरिया ऑफ सर्कल में से. ठीक है, अब यहां पे हमें आर का लेंथ निकालना है तो हम क्या किस में से माइनस करेंगे, सर्कमफ्रेंस में से, मींस पेरीमीटर ऑफ सर्कल में से. मींस 2 पाई आर का वैल्यू फाइंड कर लो और इसमें से ये माइनर आर का वैल्यू माइनस कर दीजिए तो मेजर आर का आ जाएगा. ओके, यस, मूविंग फॉर नेक्स्ट. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर. मींस आपको एक क्वेश्चन दिया है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है और उसकी साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर. तो उसमें एक शेडेड रीजन है, आप ब्लू पार्ट देख रहे हैं इस डायग्राम में, इसका एरिया चाहिए. तो सिंपली कैसे फाइंड करेंगे, आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए और उसके बाद ये कितने सर्कल है, 4. ये 4 एरिया ऑफ सर्कल, चारों एरिया का सर्कल का एरिया निकालिए और एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर आप चारों सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो देखने में तो थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन अगर आप समझ लो तो बहुत आसान है. तो क्या करना है, सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे. सो डियर, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, यू नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर मींस साइड स्क्वायर, दैट इज 14 × 14, सो दिस इज 196 सेंटीमीटर. ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर. नाउ डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, अब आप डायमीटर निकालो. जरा ध्यान देना कि ये आपका साइड है 14, ध्यान देना ये टोटल है 14, तो 14 को हाफ कर लीजिए, कितना हुआ 7. इसका मतलब 7 डायमीटर इस सर्कल का हुआ और 7 डायमीटर इस सर्कल का हुआ, तभी तो 14 पूरा साइड होगा. अगर यहां पर 7 डायमीटर हो गया एक सर्कल का तो रेडियस कितना हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर. याद रखिए इस चीज को, फाइंड करना ही थोड़ा सा मुश्किल काम था, बाकी तो बहुत आसान है. तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7/2. कैसे मिला एक बार फिर समझ लो, आपका जो साइड है ये कितना है 14 सेंटीमीटर, तो ये अगर हम यहां पे ज्वाइन करेंगे तब भी 14 ही होगा, तो 14 का हाफ कर दीजिए तो ये कितना बचेगा 7, और 7 क्या हो जाएगा ये सर्कल का डायमीटर, और यहां भी बचेगा 7, तो ये 7 हो जाएगा सर्कल का डायमीटर. अब अगर हम इसका रेडियस पता करेंगे तो रेडियस मीन्स डायमीटर बाई 2, तो ये हो गया 7/2, तो मींस रेडियस ऑफ वन सर्कल इज, अदरवाइज ईच सर्कल इज 7/2 सभी का हो जाएगा. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन सर्कल फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ वन सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एंड पाई मींस 22/7, एंड आर मींस 7/2 एंड 7/2. व्हाई, बिकॉज दिस इज आर स्क्वायर, सो 7 and 7 इज कैंसिल. क्लियर, and 2 and 22 is also cancelled, here you will get 11, and 11 × 7 that is 154, and here you will get that is 4 centimeter square. Okay, so now on simplifying this once again, so area of 4 circle, yahan par kitne circle hai, 4 hai, to aap kya karenge, is area of 1 circle mein isko multiply kar denge. Theek hai, आप देखिए मैंने यहां पर 2 कैंसिल करके बताया लेकिन मैंने कैंसिल किया नहीं है, क्या किया है, 7/7 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, 22/7 = 154, और 2 × 4 बचेगा. ये 4 मैंने इसलिए कैंसिल नहीं किया कि ये 4 डायरेक्ट यहां कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्यों यहां पे करेंगे, तो यहां पर देखिए आपका 4 × 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हियर आर 4 सर्कल्स, यस ऑफ कोर्स, सो यू विल मल्टीप्लाई हियर 4 × एरिया ऑफ वन सर्कल, सो 4 कैंसिल, दैट इज यू विल गेट 154 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, हाउ कैन यू गेट, यस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल. एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, 196, यू कैन सी हियर दिस इज द टॉप लाइन 196 सेंटीमीटर, एंड द एरिया ऑफ 4 सर्कल्स मींस जस्ट नाउ यू विल फाइंड हियर 154.
So 196 minus 154, you will get 42 centimeters square. So this is the answer, and this is the most important question for the board examination. Okay, so keep in mind that this is the important question and this is the solution. Now see one more important question. Yes, first of all, this is most important things for you. So this is the result, this is the gist of this chapter. So keep in mind, first one, circle, you know this is a circle and this one is a diameter and this thing is radius. So the perimeter of circle is 2 pi r, otherwise you can see pi into d. कहीं pi into d मिले तो confuse मत होना, ये भी perimeter है क्योंकि d कितना होता है 2r, तो 2 pi r ही होगा. Area of circle, no everybody, pi r square. Semicircle, ये semicircle होता है, लेकिन जब perimeter निकालते तो बहुत लोग गलत करते हैं, क्या होगा pi r plus 2r, because इसको भी plus करना है, this is r and r, so 2r हो गया. And area of circle, semicircle, half कर लेंगे इसका, 1 by 2 pi r square, okay. Now ring, Saturn region, yes Saturn region, आपको Saturn region का perimeter भी find करना है, area भी find करना है, तो कैसे करेंगे, 2 pi r plus r, yes this is the formula to find the perimeter of Saturn, it means yellow region, okay. So 2 pi r plus r, where capital R is the radius of largest circle and small r is the radius of smallest circle. Now area of this rings, yes pi r square formula होता है, तो यहाँ पे double circle है, तो आप क्या करेंगे, capital R square minus small r square, means बड़े circle से छोटे circle के area को minus कर देंगे, तो आपका answer आ जाएगा. Sector of the circle, yes this is the sector, you know very well, two radii and the r, so this is l plus 2r, keep in mind इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने ये आपको बताया. L plus 2R, L means length of the arc, length of the arc means pi r theta upon 180 degree, and plus 2R, so this is the perimeter of this sector, keep in mind this is important things for the competition exam. Now area of the sector, yes pi r square upon 360, isko aise bhi likha ja sakta hai, 1 by 2 LR, L means this is length of the arc, okay. So you will get same things. Now the area of the segment of the circle, yes segment means pi r square theta upon 360 degree plus 2r sine theta by 2 is the second form mein ye kya hai perimeter, pi r theta upon 180 degree, pi r theta upon 180 degree plus 2r sine theta by 2, this is the formula for perimeter of segment, yes. And now area of the segment, yes मैं पहले ही बता चुका हूँ, pi r square theta upon 360 minus 1 by 2 r square sin theta. So this is the gist of the chapter, so important things. So now dear, moving for once again a most important question for the board examination. What is the question? To find the area of the Saturn region, Saturn design in the figure where ABCD is a square of side 10 cm and semicircles are drawn with each side of the square as diameter, use pi equal to 3.14, okay. So this is the most important question for board examination, yes. Let us mark the fourth unsaturated region as first, second, third and fourth. सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, that is area of first plus area of third, okay. After that the area of ABCD minus area of two semicircles of each of radius 5 cm, yes, and then you will put the all values, area of square means side is given 10, so 10 into 10 and minus area of two semicircles, so we will multiply here by 2 into area of semicircle means half pi r square, 1 by 2 pi r square, so r is given that 5, so 5 square, 2 and 2 cancel, so 5 square means 25 pi, pi means 3.14 and 110 into 10 means 100, so you multiply it, you will get
100 minus 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 21.5 सेंटीमीटर. ये कहां से आया जरा एक बार डायग्राम को देखें. यस दिस इज द डायग्राम गिवन इन द क्वेश्चन. सो क्या करना है, आप इस डायग्राम को फोर्थ पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज द सेमी सर्कल. आप ध्यान दीजिए ये आपका सेमी सर्कल है, फर्स्ट सेमी सर्कल. और सेकंड सेमी सर्कल बी और सी से बना है, सेंटर से जाता हुआ बी और सी से, ये सेकंड सेमी सर्कल. थर्ड सेमी सर्कल फर्स्ट के अपोजिट में आ गया, सी और डी से मिलकर सेंट्रल से ये जो आर्क गया हुआ है ये थर्ड सेमी सर्कल. और फोर्थ सेमी सर्कल हो गया ए डी साइड पे जो बना हुआ है, तो ये चार सेमी सर्कल हो गए. अब हमको क्या करना है, फर्स्ट सेमी सर्कल और थर्ड सेमी सर्कल का एरिया इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट में है और सेम ही है. इसके बाद थर्ड और फोर्थ का भी एरिया सेम होगा, मतलब सभी सर्कल का एरिया सेम ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर है. तो ये फोर इक्वल सेमी सर्कल में बट जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड. ठीक है, तो कितने सेमी सर्कल हो गए, टू सेमी सर्कल. तो हमने इसीलिए लिखा है एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स ऑफ ईच ऑफ रेडियस 5. रेडियस कैसे निकाला आपने, रेडियस इज नॉट गिवन बिकॉज साइड इज गिवन दैट 10 सेंटीमीटर. आप इसको यहां से ज्वाइन कर दो, 10 हो गया. तो आप देखो ये पूरा डायमीटर बन जाएगा. तो यहां से ये कितना हुआ 5 सेंट्रल तक, और यहां भी कितना हो गया 5. तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 5. इसी तरह यहां भी देख सकते हो, पूरा ज्वाइन करेंगे तो साइड कितनी है 10, तो ये आपका भी 10 हो जाएगा. तो 10 को सेंट्रल तक हाफ हाफ कर दीजिए तो ये हो गया 5, ये हो गया 5. तो अब सभी सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो गया 5. इसीलिए हमने यहां पे क्या लिखा 2 इंटू हाफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर, हाफ 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर. आर की जगह हमने 5 लिखा और सेमी सर्कल है इसलिए सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर. सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर. और यहां पे सेमी सर्कल कितने हैं आप, 2 सेमी सर्कल है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. तो आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर. इसके बाद अब हम सेकंड और फोर्थ का निकालेंगे. सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड एंड एरिया ऑफ फोर्थ दिस इज वंस अगेन 21.5 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए बराबर ही होगा. इसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन, शेडेड जो डिजाइन बनी हुई है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो फर्स्ट थर्ड का कितना निकला 21.5, सेकंड थर्ड का कितना निकाला, सेकंड फोर्थ का कितना निकला 21.5. तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 2 इंटू 21.5, तो 2 इंटू कर दो या फिर 21.5 प्लस 21.5 कर दो, एक ही बात है. तो हमने यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 माइनस 21.5 तो ये हो गया 100 माइनस 43 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपको आंसर मिला 57 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया सेडेड रीजन का एरिया, जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है इसका एरिया हो गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस इज द आंसर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. शो डियर हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.